अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया। अशोक अरोड़ा समर्थकों समेत नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने बीजेपी के 75 पार नारे को लेकर के कहा कि अब की पार 75 पार ही नहीं यमुना पार होगी बीजेपी। उन्होंने दावा किया कि इनेलो के और भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस हाईकमान का, श्रीमती सोनिया गांधी का, कुमारी शैलजा जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं थानेसर विधानसभा क्षेत्र के हजारों उन कार्यकर्ता साथियों का, वोटर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आज अपना आशीर्वाद देने मुझे यहाँ पर पहुँचे। प्रत्याशी के रूप में